इफ फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक है। हम कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहे हैं, हम एक एक्सेल फाइल पे ये चीजें हम करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में जो बताया था वो बताया था कि किस तरीके से नॉर्मल इफ कंडीशन यूज की जाती है। लेकिन अगर मुझे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो मल्टीपल कंडीशंस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपके सामने सेल्स दिख रहा है, मुझे अगर ग्रेटर देन 50 हो तो इस पे 500 का इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 500 अदरवाइज 0 आ जाए। सिंपल कंसेप्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। बट कंडीशन अगर डबल हो जाए तब, जैसे कि 50 to 80 हो तो यहाँ पे 500 हमें देना है। मतलब कि मल्टीपल कंडीशन ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे कि इफ इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अभी इसमें नहीं, इसमें लगेगा एंड, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है। सो यहाँ पे हम एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंड में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू, अगर है आपका 50, नहीं सॉरी गलत दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 50 है और इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला लेस देन इक्वल टू 80 है। एंड फॉर्मूला क्या है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और सारे कंडीशंस रिक्वायर्ड है तो उस केस में हम एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और एंड फॉर्मूला सारे रिजल्ट्स को लेता है, चेक करता है, जो रिजल्ट्स फुलफिल होता है मतलब कि जो रिजल्ट सही होता है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू देता है, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स दिया। मतलब इसमें हमने दो दो इनपुट दिए हुए, अगर दोनों फुलफिल हुए मतलब दोनों ट्रू हुए तो यहाँ पे एंड ट्रू रिटर्न करेगा, इसमें से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स को 500 एंड 0 पे कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ 0 500 अदरवाइज। तो इस तरह से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो एंड फॉर्मूला समझ में आ गया कोई? जैसे मान लीजिए ना कि हमारे पास एक और यह क्वेश्चन है कि मेरे पास नेम है और यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास करना है अदरवाइज फेल करना है। एवरी सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 हम होना चाहिए, मैं 30 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, जो भी। सर रिकॉर्डिंग का वो दीजिए परमिशन। यहां कॉल करेंगे इफ, इफ नहीं सॉरी एंड लगा रहे हैं, एंड इफ तो बाद लगेगा, एंड के बाद तो सिलेक्ट किया इस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर दिया। पेस करते हैं, सारा अगर फुलफिल हुआ तो वो ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब मैं इस ट्रू को पास और सॉरी पास और फेल में कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम क्लियर है सर? विदाउट इसमें नहीं सर। लेकिन अगर इसी चीज को अगर मान लीजिए एंड के साथ ना करें, हम इफ और के साथ करें, अब और सॉरी माफ कीजिएगा, एंड के साथ नहीं इफ के साथ करें। इफ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम एंड यूज कब करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस बट सिंगल रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन एक रिजल्ट है 500, लेकिन अगर रिजल्ट अलग अलग हो तो, जैसे लेस देन 50 हुआ तो 100 और
और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200, मतलब यहाँ पे तीन रिजल्ट आ गया कि 50 टू 80 हुआ तो 500, लेस देन 50 हुआ तो 100, ग्रेटर देन 80 हुआ, 10 गलत लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200। तो यहां पे एंड नहीं चलेगा क्योंकि एंड हमेशा सिंगल रिजल्ट देता है। तो यहां हम देंगे फॉर्मूला इफ का कि इफ को सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर यहां पे एक और इफ दिया और इसको सेलेक्ट किया, बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा है तो 500 हो जाए, अदरवाइज 200 एंड कॉमा आल्सो 100। बोलेंगे सर ये रिजल्ट कैसा हुआ, तब एक चीज यहां पे समझिए क्या है कि ये जो आपका दो इफ लगा है, तो पहला इफ चेक करेगा कि ए टू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुआ तो सेकेंड इफ को फॉरवर्ड करेगा, ऐसा नहीं हुआ सीधे ये 100 आ जाएगा, मतलब कि ये 50 से बड़ा नहीं, 50 से छोटा हुआ तो दूसरा इफ चलेगा ही नहीं, सीधे यहां पे आके 100 को रिटर्न कर देगा। अब दूसरा ये चेक करेगा कि क्या ए लेस देन 80 है, लेस देन 80 है तो ये 500 को शो करेगा, नहीं तो ये आपका 200 को शो करेगा। समझे सर? उसी तरह से अगर हम बात करें यहां पे, तो फिलहाल एक काम करता हूं, मैं तीन कंडीशन ही रखता हूं, तीन कंडीशन, ये सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए तो पास हो, कौन सा सब्जेक्ट फेल हो रहा है वो शो करे, पहला सब्जेक्ट, कोई पहला सब्जेक्ट, तो इफ हम इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर अगेन मैं इफ दिया और सेलेक्ट किया कि एस टू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन 30, देन वापस इफ पे किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, अगर तीनों 30 होता है तो यहां पे आ जाए पास, अदरवाइज आ जाए सब्जेक्ट 3 फेल, फिर वापस यहां पे सब्जेक्ट 2 फेल, जैसे इफ हमने खोला था उस तरह से हम बंद करते चले जाएंगे, सब्जेक्ट 1 फेल, ये आपका वर्क कैसे कर रहा है तो इसको समझाता हूं मैं आपको। ये पहला इफ चेक कर रहा है अगर ए अगर बी टू अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, मतलब 30 से बड़ा या बराबर है, तो ये दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे ए इस रिजल्ट को कर देगा, क्योंकि ये जो इफ है आपका ये पहला इफ है, पहले इफ के ट्रू पार्ट में पूरा है और फॉल्स पार्ट में इस वन फेल है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे चेक करेगा, दूसरा इफ चेक करेगा, अगर फुलफिल हुआ तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इस फॉल्स पार्ट को शो करेगा, एंड तीसरा इफ चेक करेगा कि ये माने कि अगर लेस देन 30 है तो पास, मतलब तीसरे बाया मतलब कि दूसरा इफ दो इफ को पार कर, दो सब्जेक्ट में 30 था तभी वो तीसरे को चेक किया, तो तीसरा अगर चेक फुलफिल होता है तो पास आ जाए, नहीं तो फेल आ जाए। ऐसे अगर चार हुआ तो चार घेर दीजिए, पांच है तो पांच घेर दीजिए, तो आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। तो राय समझ जी, लकी कान जी, कोई डाउट इस सर? नहीं सर, समझ गया सर। नहीं सर, याद करते हैं और की, मतलब कि लॉजिकल मेरे पास अगर ऑप्शनल है, क्योंकि एंड में क्या था कि जो भी कंडीशन हम दे रहे हैं सारे होने ही चाहिए, दे रिक्वायर्ड बट ऑप्शनल। जैसे मान लीजिए कि इसमें सैटरडे या संडे, सैटरडे हो या संडे हो तो यहां पे वीकेंड आना चाहिए, अदरवाइज बिग डे आना चाहिए। तो यहां हम करेंगे फॉर्मूला इफ का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नहीं इस पर लेस देन नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल ही हुआ, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जस्ट इक्वल चलता है, सैटरडे है तो इसमें नेस्टेड इफ लगाने का अच्छा है, यहां पे हम और लगा सकते हैं अगर सिंपल है तो।
फॉर में हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला इस सैटरडे कॉमा अगेन इसको सेलेक्ट किया और बोला संडे। अब इसमें से दोनों में से कोई एक होगा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, जस्ट रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आएगा। इसको आप वीकेंड और वीकडे में कन्वर्ट करना है तो और लगाइए, ट्रू आया तो वीक एंड नहीं तो इफ यूज कर लेगा। ये सिंपल रिजल्ट था लेकिन मुझे यहां पे रिजल्ट चेंज करना है। रिजल्ट चेंज करना है कि अगर संडे हुआ तो हाफ डे आना चाहिए, नहीं सॉरी सैटरडे हुआ तो हाफ डे और संडे आया तो ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे और तो वर्क करेगा क्योंकि डिफरेंट रिजल्ट है हमारा, हर एक कंडीशन के लिए अलग रिजल्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि दैट इज इक्वल टू सैटरडे तो यहाँ पे आना चाहिए एच डी हाफ डे। फिर वापस इफ हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर इक्वल टू संडे है तो यहाँ पे आना चाहिए नहीं तो वीक डे। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि हमने जो यहां नेस्टेड इफ लगाया है एक आपका जो दूसरा इफ है पहले इफ के फॉल्स पार्ट में ट्रू पार्ट में ही है। मतलब अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो चेक करेगा अगर रिजल्ट इसको फुलफिल मिल गया तो इसको शो करेगा और इसको इग्नोर कर देगा। सेम ये चेक करेगा अगर इसको रिजल्ट मिल गया तो इसको शो करेगा इसको इग्नोर करेगा। मतलब दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ फॉल्स आएगा, पहले इफ के कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे तभी चलेगा। बट क्योंकि ये और मेथड था, अगर एंड मेथड होता तो हर इफ दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में होता, कि पहला चलेगा तभी दूसरा चलेगा। बट इसमें क्या है कि पहला अगर चल गया तो दूसरा नहीं चलना है, कोई नहीं चलेगा, बस निकल जाओ बाहर। अगर इसी को कॉम्प्लिकेटेड करना हो जैसे मान लीजिए कि यहां पे मुझे आईडी प्रूफ का स्टेटस ओके करना है तो पैन डीएल यूआईडी ये सब चीजें हैं, कोई एक आईडी प्रूफ हो तो स्टेटस ओके आना चाहिए अदरवाइज पेन नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला और का और equal y comma, अब इस true false को okay और pending if की मदद से आसानी से किया जाता है। किसी को nested if लगाएंगे हम तो if इसको select किया और बोला अगर ये y है तो okay वापस। तो इसमें क्या है कि ओके होने के चांसेस चार बार है बट पेंडिंग होने के चांसेस सिर्फ एक बार है, किसी ने ना मिला देन पेंडिंग, मतलब कोई इफ नहीं चला तो देन पेंडिंग शो करेगा। और लास्ट, अब इसमें लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं इसमें ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंटर मार ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। समझ में आएगा आपको सर एंड का मेथड? सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए सर। जो ये जो एक महीने में वन एक महीने में हमें सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मिलता है सर, तो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे और संडे ये मुझे ऑफ दिखाना है सर, हो जाएगा। उसके लिए सैटरडे सैटरडे की काउंट लगाना पड़ेगा, ये मैं नोट कर लेता हूँ, आगे क्लासेस में ये चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलिए अब यहां पे हम बात आते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो है मुझे चाहिए दो आईडी प्रूफ, मतलब कि पैन नंबर तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इन दोनों में से कोई एक चाहिए,
यहाँ पे एंड और दोनों मेथड चलेगा। यहां देखिए सबसे पहले देखिए एंड, एंड में हमने दिया वाई इक्वल टू, इस एंड के अंदर में हम और देंगे और देन इसको सेलेक्ट किया, इसको बोला वाई वाई दैट इज इक्वल टू वाई, समझे। तो क्या होगा कि एंड को दो ट्रू चाहिए, एक ट्रू जो कि पैन नंबर से आएगा और दूसरा ट्रू जो कि और फॉर्मूला देगा। अगर दोनों ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर कोई एक नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। तो एंड और को एक साथ इस तरह से मर्ज किया जाता है, समझ में आया आप लोगों को? लक्ष्मीकांत जी, रेश जी, भवन जी, समझ में आया आपको? विदाउट इसमें नहीं सर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको इफ के जरिए कैसे किया जाए, ये आप लोगों का होमवर्क है, नोट कर लीजिए। इसको इफ में करना है सर। जी हाँ जी, इसको एंड और हमने लगाया हुआ है तो यहाँ एंड और के जगह पे हमें इफ इस्तेमाल करना है। हो जाएगा सर? हो जाएगा सर। तो करके फटाफट मुझे भेजिए। और आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने आपको इफ एंड और के बारे में समझाया, उसकी इफ को मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नेस्टेड इफ किस तरह से यूज किया जाता है वो समझाया। अब अगली जो क्लास आती है वो आती है नेस्टेड इफ की, लेकिन नेस्टेड इफ तभी आपको समझ में आएगा जब आज की क्लास को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इफ की एक क्लास और मैं कर लूंगा आपकी, तो आज फटाफट इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिए। कोई डाउट होगा छोटी मोटी डाउट के लिए मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, या बड़ी डाउट हो तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो कल हम इफ की लास्ट क्लास लेंगे जिसमें हम जानेंगे नेस्टेड इफ के बारे में, मतलब नेस्टेड इफ नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ कैसे घुसाएंगे, जैसे कि अभी आपको दो तीन एग्जाम्पल में समझाया, इसी के पांच सात एग्जाम्पल मैं दूंगा। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होता है, स्लैब वाइज इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीजें हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। सर और एक क्वेश्चन था, ये जो मेरा वाला सर आज होगा या कल होगा सर? कल करते हैं इस पे बात सर। मेरा वाला सर? जी जी, नेस्टेड इफ है सर। हाँ वो कल हो जाएगा ना सर? जी जी, कल ट्राई करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। तो यूट्यूब देखा किस तरीके से अभी हमने क्लासेस ली, थोड़ा सा पेचीदा क्लासेस था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाया, छोटे पे रह गया, लेकिन आप लोग भी हमारी इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फटाफट मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मोबाइल ऐप में हमने बहुत सारे फ्री वीडियोज़, ये देखिए सारे फ्री वीडियोज़ हमने डाले हुए हैं और डेली बेसिस पे वीडियोज डलते रहते हैं। और दूसरा इसके स्टोर सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जी हाँ बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे जिसका यूज आप कर सकते हैं, जिसमें सिक्वेंसली सारा वीडियो अवेलेबल होता है, सिक्वेंसली पूरा वीडियोज अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बात करें एडवांस एक्सेल विद फार्मूला की, हम बात करें एडवांस पावर बीआई की, हम बात करें कंप्लीट एक्सेल की, हम बात करते हैं आपकी टैली की, हम बात करते हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और टैबलो की कोर्सेज भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप लोगों को कूपन भी चाहिए तो हम लोग आपको कूपन भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कूपन भी प्रोवाइड करते हैं, बट उसके लिए मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा। मेरे पास कूपन अवेलेबल होगा तो मैं आपको ज़रूर कूपन दूंगा जिससे आपकी प्राइस और कम जाएगी। तो फटाफट आप मेरी वेबसाइट मेरी मुझे कॉल कर लीजिए, या हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, फटाफट सिस्टम को लॉगिन कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगली चीज़ के बारे में डिस्कस करें।